आज वैशाख शुक्ल अष्टमी द्वितीय गुरुवार 16 मई 2024 है। श्रीजी की नगरी का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक विशेष सूचना के साथ आज की प्रस्तुति प्रारंभ करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में आज भोग आरती के समय प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के पास स्थित श्री नवनीत प्रिया जी के बगीचे में मनोरथ है, जिसमें लाड़ीले लाल प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी विराज कर आनंद वर्षा करेंगे। यदि आप प्रभु श्री जी की नगरी में हैं तो दर्शन करना न चूकें। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन, तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से आज के दर्शन करेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से वस्त्र श्रृंगार धराए गए हैं। विराजत दो उशिरा है महल छूटत है फुहार। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरण के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आवरण से मिलवा नूपुर पेंजनिया और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज श्वेत रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख
रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं, एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की त्रिष्टि जी भी पधराई हुई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्वेत रंग की मलमल के रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित वस्त्र धराए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को पिछोड़ा धराया है, जिसके किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं है। उष्णकाल होने से ताप निवारणार्थ प्रभु को चोली एवं ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, जिससे पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन होते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा सा नीचे तक के उष्णकाल के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी माला जी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पौची, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। ये सभी श्रृंगार एवं आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्वेत रंग की मलमल का ही ग्वाल पगा धराया गया है। ग्वाल पगा के ऊपर प्रभु को आभरण से ही मिलवा मोतियों का सिरपेच धराया है। सिरपेच के ऊपर प्रभु को पगा चंद्रिका धराई गई है। बाई ओर शिशु फूल भी धराए हुए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों की ही लड़ वाले लोलक बिंदी कर्ण फूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, लाल, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाक वाली 2 माला जी धराई गई हैं। एक श्वेत पुष्पों की और एक कमल माला जी हमेल की भांति धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ में चांदी से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई हैं। कटी पर प्रभु को आज 2 वेत्र जी धराए गए हैं। दोनों ही वेत्र जी रजत अर्थात चांदी से सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को मोतियों से ही सिद्ध किए हुए आभरण धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट आज चीड़ के मोतियों का उत्सव वाला धराया गया है, जिसके साथ में बाघ बकरी वाली गोटियां पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज आरसी दिखाई गई है। यह आरसी रजत के कलात्मक काम के साथ सिद्ध की हुई है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूधघर, बाल भोग, शाकघर एवं रसोई में सिद्ध की गई
विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। उष्णकाल में ताप निवारणार्थ प्रभु को विशेष रूप से तरल एवं ठोस नग के रूप में सत्वा का भोग अरोगाया जा रहा है, जिसके साथ इलायची, गुलाब जल एवं मिश्री युक्त शीतल का भोग भी अरोगाया जा रहा है। इसके साथ ही अंकुरित दालों का भोग अरोगाया जा रहा है और सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय गोवर्धन गिरी सघन कंदरा, राजभोग के समय भले ही मेरे आए, संध्या आरती के समय आवरी बावरी उजरी पाग, शयन के समय मेरे री बगर में, मान के पद में मनावन आये, मनावन न जान्यो पोड़वे में, जीनो पट दे ओट। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। ताप निवारणार्थ अन्य सेवाओं में प्रभु को चंदन धराया जा रहा है, साथ में फव्वारे भी चलाए जाते हैं। राजभोग के पश्चात हर घंटे मंदिर में अंदर की ओर जल का छिड़काव होता है, तो संध्या आरती दर्शनों के पश्चात डोल तिवारी के साथ खस के पर्दों पर भी जल का छिड़काव किया जाता है। प्रभु को विविध प्रकार के शीतलता प्रदान करने वाले इत्र समर्पित किए जाते हैं, साथ में गुलाबदानियों में शीतल गुलाब जल भी भरकर छिड़काव किया जाता है। इनके अलावा पुष्पों की मंडलियां, बंगले आदि की सेवाएं भी होती हैं, जिनको मनोरथ के रूप में आप भी करवा सकते हैं। पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा तो नित्यवत अरोगाए जाते ही हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। विराजत दो उशिरा महल छूटत फुहार आगे, छूटत फुहार फुहार आगे नीके विराजत दो। ललिता दिख सखी, ललिता दिख सखी गावे बजावे, ललिता दिख सखी गामे बजामे, रस की चहल पहल, रस की चहल पहल विराजत दो उशिरा छूटत फुहार आगे नी।
जब प्यारी फल ले, जब प्यारी फल ले दरत धार पर, जब प्यारी फल ले धरत धार पर, खिरवे रहत मानी चहले, खिरवे रहत मानी चहले, चतुर बिहारी, चतुर बिहारी गिरधारी प्यारी की, चतुर बिहारी गिरधारी प्यारी की, सकी भूली बिजना की टगल, भूली बिजना की टगल विराजत दो उशिर मैं, छूटत फुहार आगे नीचे विराजत दो विराजत दो विराजत दो गोवर्धन की रय तरे की, श्री गोवर्धन की रय तरे की, श्री नित्य प्रतिमा दैन गोपाल लाल के, नित्य प्रतिमा दैन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइए, वरधन जोगी रहिए तरे किसी गो, वरधन जोगी रहिए तरे, तन पुलकित रज रज में लौटत, तन पुल रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में धैये, रसिक प्रीतम हित चित की बात, रसिक प्रीतम हित चित की बात, श्री गिरिधारी जिसो कई वर धन।
ये तरे श्री गोवर धरे दुबी रे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।